घंटाघर ऊपर रूम नहीं था क्योंकि अभिषेक को प्यार हुआ था और धोखा प्यार में धोखा और धोखा में गाड़ी वो आते हैं वो नहीं है हमारा ही है हमारा ही थोड़ा टाइम पहले इधर रूम था वो तो ऊपर था ना भाई मैं इधर से ही जाते थे और सामने इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच लगा है उसका लुत्फ लेते हुए सो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद है कि ठीक होंगे तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है तकरीबन 12:30 बजे और अभी मेरे साथ है रणधीर भाई जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं और अभी तो क्या बस कहीं जा रहे हैं देखते हैं कहां तक जाना होता है और आपको दिखाएंगे व्यू वगैरह शायद मे भी पालमपुर जा रहे हैं लेकिन पालमपुर से थोड़े पीछे तक ही जाएंगे गोपालपुर शायद हाँ जहाँ पर जू है चलो देखते हैं कहाँ कहाँ तक जाना होता है जहाँ तक भी जाना होगा सब कुछ दिखाएंगे आपको अभी तो फिलहाल यहाँ से गाड़ी आज और स्पेशल बात यह है कि आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाड़ी में ये अपने रणधीर भाई की जो गाड़ी है इसमें हो रही है तो अभी जो आपने पीछे जगह देखी ना सुंदर सी जगह थी उसको उसका नाम है गांधी पार्क और वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं जब भी जाओ तब बहुत ही ज़्यादा प्रेमी जोड़े मिलेंगे आपको हर टाइम ऐसा नहीं कि सुबह वहाँ जाके कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो जाता है पता नहीं क्या होता है हम तो कभी बैठे नहीं यारा हम भी कॉलेज गए हैं बैठने को वो तो चलो अलग बात है वो तो अलग बात मैं है और आप ही बैठ जाएंगे कभी प्रेमी की प्रेमी जोड़े की तरह और पता नहीं कभी भी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ हर टाइम एवरी टाइम जब भी होगा ना तब आपको वहाँ ना प्रेमी जोड़े मिलेंगे ही मिलेंगे देखने के लिए और अभी फिलहाल हम धर्मशाला से निकल गए हैं आगे ये पहुँच गए अपना हॉस्पिटल के नीचे तो अभी निकल रहे हैं और ये आई जगह बड़ोल जहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी है और ये ऊपर जो रोड गया ना इस रोड से तो बड़ी ज़्यादा यादें जुड़ी है एक्चुअली यादें जुड़ी आप उल्टा सीधा मत समझिएगा यादें जुड़ी है हमारा यहाँ पर रूम था ऊपर रूम नहीं था क्योंकि अभिषेक को प्यार हुआ था और धोखा प्यार में धोखा और धोखा में गाड़ी वो आते हैं वो नहीं है हमारा ही है हमारा ही थोड़ा टाइम पहले इधर रूम था वो तो ऊपर था ना भाई मैं इधर से ही जाते थे हम यहाँ से जाते थे ऊपर इधर से जाते थे हम मार्केट ये यादव वाला रोड है ना भाई वो कमरे वाला रोड नहीं है वो मैं बोल रहा हूँ ना वही है मार्केट में आते थे और यहाँ को जाते थे यहाँ से भी जाते थे कभी क्लास लगा के सीधे यहाँ से तो तभी अभी 2 महीने पहले रखा था यहाँ पर रूम अभी तो नहीं है अभी तो फिलहाल वही रहते हैं और अभी फिलहाल हम दाढ़ी में पहुंचे हैं वहाँ पर ये जितना भी जाम लगा है ये लगा सिर्फ HRTC की बसों से बजे थे क्योंकि तीन बसें हम आगे चली हुई है पूरी 3 बसें और पूरा लास्ट तक पीछे तक बहुत ज़्यादा जाम लगा है ठीक है तो नहीं आपको लेकिन फिर भी दिखाते हैं दिखाने की कोशिश करते हैं वो देखिए आगे तो क्या ही बोले ना एक बस यहाँ से दिख रही है थोड़ी थोड़ी और 2 बसें आगे चली हुई है घंटाघर और यहाँ से जो वो धर्मशाला नगर निगम है ना उसकी सीमा ख़त्म हो गई है और अब मे भी पालमपुर की शुरू है ना पालमपुर की सीमा शुरू है तो आप देखिए ये है करमापा टेम्पल ये है ऊपर करमापा टेम्पल कौन सा ये ब्लू वाला गेट है इसका तिब्बतीयन टेम्पल है ना तिब्बतीयन टेम्पल है और ये सिद्धवाड़ी में है अब हम एयरपोर्ट जाएंगे यहाँ पे टैक्स वगैरह लगेंगे नहीं नहीं लोकल गाड़ी लोकल तो नहीं रन कर दीजिए रन कर गोरा तो पंदी नचदा दूरे
तो अभी आप देख रहे हो ये पहुंच गए हम चमुंडा देवी टेंपल के पास। गेट चमुंडा देवी टेंपल का ये रहा। धन्यवाद आपको जानकारी। और अभी रास्ते में जाते जाते यहाँ पर रुके हैं और यहाँ पर आप देखिए बैठने के लिए कितने अच्छे पत्थर है। और यहाँ पे देखो बर्फ दिख रही है थोड़ी सी। सुनो कब सुबह गया था यहाँ पर? सुबह गया था। कभी इस साइड आओगे पालमपुर साइड तो यहाँ पर आप बैठ सकते हो आराम से, है ना? आराम से बैठ सकते हो। देखिए पत्थर दूर पीछे। अभी जाते जाते दिखा तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी देर बैठ ही लेते हैं। एक्चुअली हम किसी का वेट कर रहे हैं ना जहाँ पर हमें जाना है, तो उनका वेट करते करते यहाँ पर आनंद लेते हैं ठंडी ठंडी हवा का। और ये यहाँ पर अभी आपको शायद मे बी माइक से ठंडी ठंडी हवा की आवाज़ आ रही होगी। तो ये खेती किसकी होगी यहाँ पर, किसकी खेती करते हैं ये? गेहूँ है। गेहूँ की? गेहूँ है, मेरे को लगा धान है। धान अभी नहीं होते, बरसात में होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आंधा बुछूरा बोलूँ। गेहूँ की खेती है ये तो, नॉर्मल है, तो हमारी तरफ ही होती है। मैंने सोचा धान होंगे। एक्चुअली धान भी होते हैं हमारी तरफ, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं होते। बरसात के टाइम होते हैं ना वो, हमारी तरफ उतने ज़्यादा होते भी कहाँ हैं। खुद नहीं होते लगाना पड़ते भाई मेरे, उतने नहीं लगाए होते। मेरे बोलने का यही मतलब कि उतने हमारे ऊपर वहाँ सिर्फ गेहूं और मक्की यही खेती होती है ज़्यादातर, बाकी और कुछ नहीं होता ज़्यादा। जौ तो होते हैं, वो तो गेहूं नहीं उगाए तो जौ उगा लो, वो ही बात है ना। तो यहाँ नीचे वाली साइड जो है ना धान बहुत ज़्यादा होते हैं। टेंट लगा के आज सो जाऊं कहाँ, यहाँ जैसे नीचे ये अच्छी है जगह, वैसे चूल्हा भी बनाए हुए किसी ने। यहाँ पे पिकनिक करने का प्लान बन रहा है, देखते हैं वापसी में क्या होता है। वापसी में क्या होगा, सीधे घर के लिए जाएंगे और तो क्या ही होगा। और हमारी इनोवा क्रिस्टा कहाँ की? वो पता नहीं कहाँ है हमारी इनोवा क्रिस्टा, वो आएगी तभी हम कहीं के लिए निकल पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल उनका वेट हो रहा है। वैसे ब्लॉग शूट करना ना तो गाड़ियाँ जाती है ना, सभी देखते हैं सोचते हैं कि पता नहीं कौन से बड़े ब्लॉगर है। बड़े ब्लॉगर कहाँ यार, लोग आते हैं वीडियो देखते हैं चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो कहाँ के। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा और इन्हें भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। रणधीर सिंह राजपूत करके होगा और मेरा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्या बोलते हैं इंस्टा में फॉलो कीजिएगा ताकि आपको आगे अपडेट वगैरह मिलती रहे। और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पीछे देखिए दो तीन आंटी वगैरह बैठी है। यहाँ पर जंगल है तो वो अपने गाय बकरी वगैरह चराते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोकल जितने भी हैं। बहुत बड़ा जंगल है और बिल्कुल जहाँ पर हम बैठे ना बिल्कुल इसके ऊपर जाके थोड़ा सा कोई आधा की किलोमीटर जाके ऊपर जाके एक ग्राउंड जैसा है, उधर भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग बैठे रहते हैं उधर भी। लेकिन जो अच्छी जगह होती है ना, शांत जगह, वहाँ पर तो ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे नहीं बैठे हुए। तो अभी पीछे देखिए ये जो चील के पेड़ हैं, चील ही बोलते हैं इसको, शायद हिंदी में भी चील ही बोलते हैं, हमारे को गद्दी लैंग्वेज में तो चील ही बोलते हैं। तो इन पर जब धूप पड़ती है ना तो ये बहुत ज़्यादा चमकते हैं, तो आप पीछे देख ही रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं, दिखाई देते हैं आपको आराम से। ये देखिए तो फाइनली अभी हमारी इनोवा भी आ गई है जिसका हम वेट कर रहे थे, वो भी चलते हैं।
तो अभी फिलहाल हम यहाँ आए हैं इस डेस्टिनेशन पर। ये देखिए बुद्धा की मूर्ति कितनी बड़ी है। तो अभी हम इस लोकेशन पर आए हैं। मैं हमें भी इस लोकेशन का पता नहीं था कि इतनी अच्छी जगह है ये। पता नहीं वीडियो बनाना अलाउड है कि नहीं है, पर मैं बनाए जा रहा हूँ, पता नहीं लग रहा है अभी किसी को भी। ये देखिए बुद्धा की मूर्ति देखिए कितनी बड़ी है, और फ्लैग ही फ्लैग लगाए हुए हैं, और फ्लैग ही फ्लैग लगाए हुए हैं। आज तक बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, उसको भी दिखाता हूँ मैं। ये रहा कितना डेंजर कुत्ता है। इसको देखते रहो कसम से। और जगह देखिए कितनी अच्छी है, पूरा खुला खुला आगे तक। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हो बुद्धा के इतना बड़ा स्टैचू, पता नहीं कहाँ पर आ गए थे। तो अभी यहाँ से निकलेंगे। ये अपनी गाड़ी यहाँ पर लगी है, यहाँ पर हमें थोड़ा काम था तो लोकेशन भी देख ली, नई जगह बहुत अच्छी जगह है ये। तो अब गाड़ी स्टार्ट करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ ऊपर देखिए आप, और ये अपने रणधीर भाई। हम यहाँ पे आए थे अभिषेक भाई के लिए, लड़की देखना, ये उनका घर रहा। अच्छा, लड़की देखने नहीं आए थे हमें, और ही काम था। लेकिन जो क्या जगह है ना यहाँ पर, जगह नहीं जन्नत बोलते इसको, बहुत ही अच्छी से ऐसा लग रहा है। हमने सीट बेल्ट नहीं लाई, और गाड़ी आवाज दे रही है, हम सीट बेल्ट पहनेंगे मोड़े के बाद। बस यहाँ मेन रोड में रुकना तब लगाते हैं, काट ही लो अभी एक आधा मोड़ा। और क्या ही जगह थी यार, पता नहीं कहाँ आ गए। गोपालपुर से थोड़ी सी पीछे है, लेकिन ऐसे एंट्री नहीं है यहाँ पर। हमें तो कुछ काम था ना तो हम आए थे, तो अभी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। हमने अभिषेक के लिए लड़की देखी यहाँ पर, और अभिषेक को पसंद नहीं आई, इसने मना कर दिया। अभी आगे देखते हैं कहीं इसका। हाँ, तिब्बतन लड़की तो देखने आया था मैं, ऐसे नहीं है, हम यहाँ काम से आए थे, थोड़ा काम था। तो अभी यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं, अभी सीधा हम धर्मशाला जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा काम है। तो फिर शायद घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, तो चलो देखते हैं, चलिए चलते हैं यहाँ से। तो अभी उधर से निकले थे, और अभी हम जा रहे हैं ये खनियारा वाले रोड पर, जो यहाँ फतेहपुर है ना, फतेहपुर से ऊपर की तरफ जाता है मोहाली, वो भी है बहुत अच्छी जगह है, प्यारी जगह। मैं आपको दिखाते हुए लेके जाऊँगा उधर से। तो चलिए चलते हैं, फिर उधर की तरफ चलते हैं। और ये जो है ना, ये खनियारा के लिए गया रोड ऊपर वाला जो दिखा आपको, और जहाँ से हम आए वो था अली वाला रोड, जहाँ पर मोहाली यूनिवर्सिटी है ना, वो वाला रोड था, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। तो अभी निकल रहे हैं फिलहाल। तो पहले गोपालपुर गए, फिर खनियारा गए, अभी मेट्रोगंज में है। तो यहाँ पर खाना खुना खाएंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए, ठीक है। और इन दोनों ने भी हमें अब ज्वाइन कर लिया है। मास्क लगाओ, मास्क भाई लगा, मास्क सागर। रात को तो ना मेट्रोगंज की ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा चमकती है। जय बजरंग बली, बजरंग गली वो मंदिर है मैकलोडगंज में। ये तो अब बस मैकलोडगंज से घर के लिए निकल रहे हैं। A few minutes later. तो अब ये खाना मंगवा लिया हमने, आज बाहरी खाना हो रहा है, घर नहीं है। ये कड़ी पकोड़ा और ये चावल और चपाती अभी आ रही है, पालक पनीर है मेरा फेवरेट है। तो अभी खाना खाएंगे और निकलेंगे। इन्होंने तो डाली भी लिया है, सर्विस तो खुद ही करने, ये सर्विस कर रहा है। और सामने
इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच लगा है उसका लुत्फ लेते हुए, और लगता है मैंने ज़्यादा ही फास्ट बोल दिया, तो फास्ट बोलते बोलते खाते हैं और निकलते फिर घर के लिए। अभी 11 बज रहे हैं और घर में पहुंच चुके हैं। अभी थोड़े आहिस्ते बात कर रहा हूं क्योंकि सभी सोए हुए हैं, और थोड़ा बहुत घूमना हुआ जैसे कि आपको बताया। और एक जगह थी जहां हम गए, वो एक्चुअली कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, हम वहां काम से गए थे, और उधर क्या बोलते तिब्बती लोगों का है कुछ, वो उधर हम थोड़े काम है, थोड़ा काम था तो वहाँ गए थे, इसलिए आपको वो जगह दिखानी हुई, लेकिन बहुत अच्छी जगह थी। उसके बाद खनियारा गए, फिर मैक्लोडगंज गए, आज मतलब पूरा दिन घूमते घूमते हो गया, और आज खाना भी बाहर ही हुआ हमारा, और अभी जस्ट घर में पहुंच चुके हैं। और सागर भी मेरे साथ जो यहाँ आया हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।